बबेरो उपचुनाव की मतगणना हुई संपन्न। जिला पंचायत सदस्य देवान सिंह मरका प्रधान, नथिया व बतोली प्रधान प्रेमचंद चुने गए। मामला बबेरो जेपी शर्मा इंटर कॉलेज का है, जहां पर बबेरो ग्रामीण वार्ड क्रमांक 5 से जिला पंचायत सदस्य पद एवं ग्राम प्रधान मरका व बतोली गांव की मतगणना संपन्न कराई गई, जिसमें मतगणना के बाद जिला पंचायत सदस्य पद में बीएसपी से समर्थित प्रत्याशी देवान सिंह तोमर ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी अशोक कुमार यादव को 704 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। वहीं ग्राम प्रधान मरका से नथिया देवी ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी माधुरी देवी को 441 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की। इसी तरह बदौली ग्राम पंचायत से प्रधान पद के प्रत्याशी प्रेमचंद यादव ने अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी राजेश निषाद को 69 मतों से पराजित कर जीत दर्ज की, जिसमें जीते हुए ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र दिया गया। वहीं कॉलेज गेट के बाहर जीते हुए प्रत्याशियों व प्रतिनिधियों को समर्थकों के द्वारा फूलमाला से लाद दिया गया और जमकर नारेबाजी की। वहीं जीते हुए प्रत्याशियों ने अपने ग्रामीण मतदाताओं का आभार प्रकट किया। इस मौके पर सुरक्षा की दृष्टि से भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। एनटीवी टाइम के लिए बांदा से विनय सिंह की रिपोर्ट। गांव की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि गांव की सारी जनता ने मेरे इस दुख में साथ दिया। मैं उनका हमेशा जो है ऋणी रहूंगा इस सहयोग के लिए, और उनकी जो मेरे ऊपर सहानुभूति थी, उसी सहानुभूति की बदौलत जो है पुनः मुझे इस पद में विजय श्री हासिल हुई। मैं सबका तहे दिल से जो है धन्यवाद देता हूँ। जो विजयी हुई है आपकी कौन है? माता श्री हैं मेरी माता जी। क्या नाम है? इसके पहले मेरी धर्मपत्नी थी, उनके जो है निधन के बाद जो है ये उपचुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मैंने गाँव के काफ़ी लोगों ने ये कहा कि नहीं आपको जो है फिर से ये चुनाव लड़ना है, वो गांव की जो है सेवा करना है। मैंने फिर से विचार किया और अपनी माताजी को इस उपचुनाव में खड़ा करके लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए उन्होंने मेरे साथ पूरी सहानुभूति बरती, पूरा सहयोग किया। मैं सबका जो है तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सभी का सहयोग के लिए मैं हमेशा रेडी रहूँगा। ये मध्यवर्ती चुनाव था और जो है हमें गांव के लोगों का जो है पूरा सहानुभूत सहयोग मिला, और हम चाहेंगे जैसा जितना हो सकेगा हम उनका आदर सम्मान करेंगे और गांव का विकास करेंगे। जनता को क्या प्रतिनिधि रहे क्या? जी सर, जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को संदेश यही हमारा जो है, हम उन लोगों का सहयोग मिला और हमारी तरफ से उन्हें सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ, और जो है जो जैसा होगा उनके साथ सहयोग किया जाएगा। खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़, हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ।